नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं ऋतिक और आज हम श्री कृष्ण से जुड़े हुए उन रहस्यों के बारे में जानेंगे। वही श्री कृष्ण जी जिनकी हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, कभी हम उनकी बाल लीलाओं को देखकर मोहित मन करते हैं तो कभी उनके गीता सार को पढ़कर जीवन के रहस्यों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए 8 अंक का रहस्य। श्री कृष्ण जी का जन्म रात्रि के 7 मुहूर्त निकलने के बाद 8वें मुहूर्त में हुआ था। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि, जिसके संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में विष्णु जी ने इस धरती पर 8वां अवतार लिया था, इसलिए 8 का अंक कृष्ण के लिए विशेष महत्व रखता है। कंस का वध करने के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसका नाश देवकी की और वासुदेव की 8वीं संतान करेगी। भगवान कृष्ण अपने मामा कंस का सर्वनाश किया था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी जिन्हें 80 भार्या का नाम दिया गया। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने 16,100 रानियों से विवाह किया और इन 16,100 रानियों का योग 8 आता है। भगवद गीता में जो भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस श्लोक को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और ये श्लोक भी 8वें अध्याय का 8वां श्लोक। इस तरह हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से 8 अंक का रहस्य काफी अद्भुत है और रहस्यमय है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ अगला रहस्य सामने आता है। भगवान श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। गोवर्धन पर्वत व इसके आसपास के क्षेत्र को लोग ब्रजभूमि भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए इस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था। कहा जाता है कि ये गोवर्धन पर्वत का आकार जभी से हर दिन मुट्ठी भर घट जाता है। तो ये थे कुछ भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए अद्भुत रहस्य। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मथुरा से ही नहीं पूरे भारतवर्ष समेत कई विदेशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन होता है तो कहीं उनकी रास लीलाएं दिखाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अद्भुत रहस्यों को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का वर्णन स्पेशल रूप से, अद्भुत रूप से इस्कॉन मंदिरों में भी किया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। झांसी से जुड़ा हुआ एक इस्कॉन मंदिर जिसके बारे में हम जानेंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीयूष रावत जी। ऋतिक जी राधे राधे। राधे राधे। आप सबसे पहले ये बताइए कि जो इस्कॉन मंदिर है झांसी का, उसकी नींव कब रखी गई और इस्कॉन मंदिर का संबंध रानी मुखर्जी से किस तरीके से है, लोगों को बताइए ताकि हम सब जान सके कि इस्कॉन मंदिर कितना पुराना है और क्या संघर्ष रहा। आज इस्कॉन मंदिर के बारे में आपसे हम जानेंगे। जी ऋतिक जी, इस्कॉन मंदिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि झांसी में 1998 में झांसी में आई थी। जब एक छोटे से एक रूम के माध्यम से हम लोगों ने इसको स्टार्टिंग किया था और उसके बाद में जो हम लोग आज स्थापित जहां पर मंदिर है उसको रानी मुखर्जी के परिवार का ये मंदिर था जो उन लोगों से हम लोगों ने किराए पे मांगा था। ये बात है 99 की और उन लोगों ने हम लोगों को 2000 में वो डोनेट कर दिया वो जगह को, ना कि वो किराए से। उनका कहना था कि हम लोगों ने 17 साल किराएदारी पे केस लड़ा, अंत में हमने खाली कराए, हम इसको अब किराए पे कुछ भी नहीं देंगे। और हम लोगों ने इसको 2002 में स्टार्ट किया था इस्कॉन को, और बड़े छोटे स्केल पे किया था क्योंकि एक इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है
तो इस्कॉन वाले कभी भी तैयार नहीं थे यहाँ पे झांसी में ऐसा छोटा मंदिर बनाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक मंदिर को बनाया और अब जाकर हम लोगों ने इतना बड़ा इस मंदिर को बना पाए। और इस्कॉन की आज भी कोशिश है कि हम लोग इसको कोई रोड साइडेड जगह पर एक बड़ा इस्कॉन झांसी में स्थापित करें, क्योंकि प्रभुपाद जी जिन्हों के संस्थापक हैं, जिन्होंने ये मंदिर पूरे विश्व के अंदर मंदिर स्थापित किए थे, उनका कहना था कि उनकी जो शुरुआत थी वो झांसी में स्टार्टिंग थी। जी ठीक जी, धन्यवाद आपका। दूसरा प्रश्न हमारा है कि आप इस संस्था से, इस मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या आपने संघर्ष देखा है इस मंदिर के साथ, आपका क्या लगाव है, आपने कितना इसमें सहयोग दिया, क्योंकि इस्कॉन मंदिर एक ऋतिक जी मंदिर का जुड़ाव हमारा 2000 से है। वहाँ पे जब स्टार्टिंग इसका नींव डली थी तब से हम लोगों का मंदिर से जुड़ाव है। देखते देखते हम लोगों ने देखा, पहले बड़ा छोटा मंदिर था, फिर धीमे धीमे कुछ लोग जोड़े झांसी के, क्योंकि मंदिर तो नया था झांसी के लिए, नाम भले ही इस्कॉन का था काफ़ी, तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया इसके लिए। और क्योंकि हम वहाँ पे संयोजक के रूप में जो भी प्रोग्राम होता है उसमें संयोजक का रूप में हम वहाँ पे प्रस्तुति देते हैं अपनी, और आज की डेट में इस्कॉन मंदिर जो झांसी का है वो यूपी के बहुत अच्छे मंदिरों में गिना जाता है। जी धन्यवाद, आप बुंदेलखंड न्यूज़ 24 से जुड़े। बुंदेलखंड न्यूज़ 24 की ओर से सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए बुंदेलखंड न्यूज़ 24, क्योंकि खबर हर पल की जो तह तक हो।